तुम लोग वुमेन्स कॉलेज में क्या कर रहे हो जी? सॉरी गलती से घुस गए। गलती से क्या क्या कर रहे हो वुमेन्स कॉलेज में? गाइस वुमेन्स कॉलेज में घुसा है, देखिए ये लड़का, खाली लड़की सब है। कॉलेज कुछ ज्यादा ही सुंदर है, मानना पड़ेगा। सुन लो मेरी पुकार, पवन सुत विनती बारंबार। आप लोग ठंडा के मौसम में गादा के साथ चूड़ा खाते होगे ना? हम लोग मटर को गादा बोलते हैं, ठीक है? आप लोग खाते होगे? इसमें ना कभी गोभी भी भूंज लेना, लेकिन मेरा तो बड़ा बड़ा पीस है, तुम लोग छोटा छोटा गोभी भूंजना। इसमें चूड़ा डाल के खाना और टेस्टी लगेगा भाई, इसमें कुरकुर डालोगे ना मजा आ जाएगा। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। मेरा नाम है रजुआ और हम अपने पापा के परी है। फिलहाल हम अपनी मम्मी की परी बने हुए हैं और मम्मी को परी वाला ट्रीटमेंट दे रहे हैं। कल मम्मी फास्टिंग की हुई थी, कल संडे था, संडे का फास्टिंग कर रही है। किसी भी दिन का मम्मी फास्टिंग शुरू कर देती है जस्ट फॉर अस, हमारी बुद्धि के लिए। तो मम्मी कल फास्टिंग में थी तो हम मम्मी के लिए सुबह उठ के पोहा बना रहे हैं। ये जो है ये चूड़ा खाने के लिए नहीं है, अभी हम लोग पोहा बना रहे हैं, चूड़ा लेके आते हैं। दादी चूड़ा किधर है? सुबह उठे कैमरा उठा लिया, हम अपना आईना में शक्ल नहीं देखे हैं, सो प्लीज डोंट जज माय फेस। देखो जिंदगी में थोड़ा दुख आ गया है, कहते हैं दुख में सुबिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, इंसानी नेचर है। तो थोड़ा दुख आ गया, थोड़ा भजन ज्यादा चल रहा है अभी। चूड़ा निकाल लेते हैं, चूड़ा को जल्दी धोना पड़ता है, आधा घंटा पहले धो के रख दिया होता ना तो फूल जाता तो अच्छा नहीं लगता है। चलो अभी हम पोहा का रेसिपी नहीं बताएंगे आपको, पोहा बना के मिलते हैं क्योंकि लेट हो रहा है, आज क्रिसमस है, आज हम लोग बाहर जा रहे हैं। आज क्रिसमस है, मतलब अमेरिका और लंदन में वो माहौल बना हुआ होगा जो इंडिया में होली और दिवाली पर बना रहता है। जिंदगी में सब काम करेंगे लेकिन अपने ऑटो के पीछे बुरी नजर वाले तेरा मुंह काला नहीं लिखवाएंगे। अब आप लोग सोच रहे होंगे हम सुबह सुबह तैयार होकर क्रिसमस मनाने जा रहे थे तो हम थोड़ा ऑकवर्ड हो जाते हैं, पर ठीक है आज हम लोग अपने ऑकवर्ड को मिटाएंगे और साफ पता चल रहा है कि हम ऑकवर्ड हो रहे हैं। नहीं हो रहा ऑकवर्ड, या पटना मिस कॉलेज इसलिए आए क्योंकि इट्स अ क्रिश्चियन कॉलेज और पता हमको उतना मन नहीं था आने का, मेरा एक दोस्त है उसको मन था आने का, क्योंकि आज ही का दिन है ना जिस दिन पटना विमेंस कॉलेज में बॉयज भी आ सकते हैं। थैंक्स, लव यू। बाहर लिखा भी हुआ है मेरी क्रिसमस हैप्पी न्यू ईयर, अंदर से बड़ा खूबसूरत है, अंदर जाके दिखाएंगे। तो मुद्दा ये नहीं है कि हम यहाँ क्रिसमस मनाने आ जाए, मुद्दा ये है कि जो मेरा दोस्त है उसको पहले आना चाहिए ना, बेसिकली लड़के को एक्साइटेड होना चाहिए ना वो मिस कॉलेज में जाने के लिए। हम ही पहले पहुंच गए, वो भी तक आया ही नहीं है। वैसे आज इधर से एंट्री नहीं है, आज उधर एक और गेट है इसी कॉलेज का, उसी से एंट्री है। यार ये एस्थेटिक जीन्स पहन के हमको लहंगा वाला फील आता है एकदम, नीचे से फड़ा फड़ा लगता है। पहुंच गए तुम पटना मिस कॉलेज। एल्विश भाई गाइज मिलिए उत्तम से और सर्वोत्तम से। मेहुल है। हाय मेहुल। लड़कियों का कॉलेज बहुत साफ सुथरा होता है, लड़कियों का रूम भी बहुत साफ सुथरा होता है। करण जौहर के मूवी वाला कॉलेज लग रहा है, स्टूडेंट ऑफ द ईयर फलाना ढिमकाना। तो मन होता है ऐसे कॉलेज में पढ़ने का, भाई कॉलेज देखो जरा। हम इतना है कि हम भी लौंडा है। को बता दे कि उत्तम ब्लॉगर है और कंटेंट क्रिएटर भी है। एक्सप्लोर विद उत्तम। और इनका बताइए अभी करते हैं कंटेंट क्रिएशन, सिनेमैटिक बनाते हैं। अरे तो भाग कर रहे जी। अच्छा कैमरा से पटना शहर में। पटना शहर में तो इन दोनों का पेज ना हम नीचे डाल देंगे, मेरे फ्रेंड्स है दोनों, आप लोग जाके उनका पेज एक्सप्लोर कर सकते हैं और पसंद आए फॉलो कर। तुझे देखा तो ये जाना सनम, लड़कियां फालतू में बदनाम है फोटोज क्लिक करने के लिए, लड़के भी देखो फोटोज क्लिक करवाते हैं वो भी बैग हाथ में देके। हम सिनेमैटिक बनाना चाह रहे हैं, सिनेमेटोग्राफर आ जा रहे हैं बीच में। तो बताओ कौन सा कट जाए, फट जाएगा जल्दी बताओ। लाल वाला। लड़कों के अलावा तारे भी काट लेती हो क्या तुम लोग? हर तरफ से लड़की लोग को ये लोग रेड फ्लैग बता रहा है, बताओ। मम्मी बहन बीवी बिना गुजारा है तुम्हारा? बिल्कुल नहीं। जिस दोस्त के साथ हम आने वाले थे कॉलेज में वो है ये, फाइनली आ गए हैं। हाँ बहुत लेट से, मेरा एक फ्रेंड मिल गया था रास्ते में तो उसके साथ हम कॉलेज घूम लिए, बाहर गए तो फिर आए हैं ये बड़े लेट। वुमेन्स कॉलेज में आने का एक्साइटमेंट था कि नहीं आपको? हाँ तो जरूर, लेकिन अब क्या करें। नहीं नहीं बोलो बोलो बोलो, अरे बोलो बोलो, शर्मा गई का? नहीं 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 बोलेगा, ये जब नहीं नहीं बोल रहा है इसका, नहीं नहीं क्या तुरुक तुरुक तुम दादा ना चल रहा है? नहीं 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 नहीं।
गाइस मेरे बहुत सारे दोस्त आ गए, अब थोड़ा इंट्रोडक्शन देना मुश्किल हो रहा है। पहले वो आया, फिर दोनों गया, फिर ये दोनों आया, फिर ये आ गई, इतने सारे आ गए, इंट्रोडक्शन देना मुश्किल हो रहा है कौन क्या है। तो सब मेरे दोस्ती हैं, इनका नाम याद करना आसान है। प्रिंस, हाय प्रिंस। हाय। डू यू हैव अ गर्लफ्रेंड? नो, दैट इज व्हाई यू आर इन पटना मिस कॉलेज ना? ऐसा कुछ नहीं है। सेक्स लांडा, अभी हम जाकिर खान विद अस। फिर मौका नहीं मिलेगा पूरा साल अंदर जाने का? आर यू श्योर यू वांट टू गेट आउट ऑफ द कॉलेज? हां हां। फिर शशांक को बाय बोल के हमने देखा पेट्रोल पंप पे पेट्रोल बेचने वाले भी सेंटा क्लॉस बन के खड़े हैं। लगता है आज पेट्रोल फ्री में बेच रहे हैं। चलान कट जाने के डर से चौरस्ता पे हमको मेरा दोनों दोस्त नीचे उतार दिया। उसके बाद हम थोड़ी देर पैदल चले, उसके बाद हम लोग तीनों स्कूटी से पहुंचे मेला, जहाँ हम लोग बहुत एंजॉय किए। अमरीका वाला झूला बिहार में आ गया भाई। खत्म, टाटा, गुड बाय, गया। हम कितना स्लीपी और एग्जॉस्टेड लग रहे हैं ना, हम घर आ गए, इतने सारे दोस्त लोग से मिला आज हम। और तुमको पता है हमको एक काम करना था बहुत इम्पोर्टेंट। अभी 25 दिसंबर है, न्यू ईयर आ रहा है, तो हमको ना सबसे पूछना था एक क्वेश्चन कि आप इस साल वो कौन सा चीज है जो करने वाले हो। और हम किसी से नहीं पूछे, हम सोच के गए थे कि हम ये काम जरूर करेंगे, जो भी फ्रेंड्स मिलेंगे रैंडम या जिनको हम जानते हैं उनसे हम एक क्वेश्चन जाके पूछेंगे कि इस साल व्हाट इज दैट वन थिंग दैट यू आर प्लानिंग टू अचीव। पूछना था हमको यार, हम भूल गए। मेरे साथ होता है, हम दोस्त लोगों के बीच में जाते हैं ना, हम अलग धुन में भाई, अलग दुनिया में, जिससे कि हमको बाहर आना होगा, ये कोई अच्छा आदत नहीं है। जाएंगे, फेस वॉश करेंगे, थोड़ा फ्रेश फील करेंगे। पता नहीं आज का दिन कैसा गया, जैसे जैसे हुआ वैसे वैसे व्लॉग बनाते गए, और इसको हम अपलोड करेंगे एज सून एज पॉसिबल।